नमस्कार, कक्षा 8 एक्सरसाइज 3.3 प्रश्न नंबर 2 का चौथा भाग हम कर रहे हैं। हमें यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है और इसमें हमें एक्स, वाई और जेड निकालना है। एक कोण हमें यह 80 डिग्री का दिया गया है। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे यह 80 डिग्री का कोण है और इसके बिल्कुल सामने है वाई कोण। ये कैसे कोण है, देखिए, सम्मुख कोण है। हमें पता है एक समांतर चतुर्भुज में आमने सामने वाले कोण यानी कि सम्मुख कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या है, ये जो वाई है यह इस 80 डिग्री के कोण के बराबर होगा क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के आमने सामने वाले कोण हैं। और इसका हम साथ में कारण लिख देंगे, सम्मुख कोण। इस तरीके से हमें तीन कोण निकालने हैं, एक्स, वाई, जेड। उसमें से पहला वाई जो है हमें प्राप्त हो गया है। आइए अब हम आगे देखते हैं। इसी प्रकार से आप यदि देखेंगे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, मैं यहां बना के दिखा रहा हूं आपको, ये लाइन और नीचे वाली लाइन, ये ऊपर वाली लाइन और ये नीचे वाली लाइन, इस पर एक तिर्यक रेखा इस प्रकार से है। यह कोण और यह कोण, ये कैसे कोण है, देखिए, ये संगत कोण है। याद है ना बच्चों, संगत कोण, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ, लाइन से ऊपर, लाइन से ऊपर, ये इस प्रकार के जो कोण है ये संगत कोण होते हैं। यदि ये दो रेखाएं आपस में समांतर होंगी तो संगत कोण आपस में बराबर होंगे। तो देखिए, ये तिर्यक रेखा, सॉरी, ये रेखा और ये रेखा आपस में समांतर हैं और यह है तिर्यक रेखा है, तो ये और ये संगत कोण बन रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी कि जेड जो है यह 80 डिग्री के बराबर होगा। इसका कारण क्या है कि यह संगत कोण हैं। तो हमने दो कोण अभी निकाल दिए हैं। अब तीसरा कोण निकालने के लिए बच्चों देखिए, x डिग्री और 80 डिग्री, ये कैसे कोण है, देखिए मैं यहां फिगर बना के दिखा रहा हूं। यह एक रेखा और यह एक रेखा, यानी ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, ये इनके बीच में है तिर्यक रेखा। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर, इस तिर्यक रेखा के इसी तरफ अंदर वाले दोनों कोण, तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोण, इनका योग 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी x और 80 डिग्री, इनका योग 180 डिग्री के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोण। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब x प्लस 80 180 डिग्री के बराबर आया। यहां से x कितना आएगा, 180 डिग्री, 80 डिग्री इसके साथ प्लस हो रहा है, उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, यानी x आ गया 180 में से 80 माइनस कर दो 100। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमें तीन कोण निकालने थे, y ये निकल गया 80 डिग्री, z ये निकल गया 80 डिग्री और x ये निकल गया 100 डिग्री। तो हमने इस वीडियो में तीन कोण निकालने थे, तीनों कोण हमने आपको निकाल कर दिखाए हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छे से समझ आया होगा। और यदि इस प्रश्नावली के बाकी वीडियोस देखने हों तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी वीडियोस को देखिए और उन्हें अच्छे से समझिए। धन्यवाद।